Hi guys and welcome back to my channel. Hope you all are doing super fine and doing great in your life. आज थोड़ी सी गुड सी मॉर्निंग है बिकॉज मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है. इट्स लाइक कि बस सर बस घूम में जा रहा है सर. और मैं समझ गया मैं क्या करूँ. और मैंने अभी अपनी मेडिसिन ले ली मॉर्निंग और इट्स 12:45 इन द मॉर्निंग गई आफ्टरनून. चलते देखते नाश्ते में क्या नाश्ता करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपना डे. स्लाइस को टोस्ट करने के लिए रख दिया था. हमारे टोस्टर नहीं है तो हम इसे ऐसे ही करते. तब ये टोस्ट हो गया और ये चाय बना दी है मम्मी ने. हम हाँ ये नाश्ता करेंगे. आज मेरा एग खाने का दिल था बट फिर मेरा दिल नहीं भी किया तो मैंने नहीं खाया. ये है हमारा नाश्ता. हम चलते हैं नाश्ता करते हैं. आई है गिफ्ट मैंने एक टोस्ट जैसे जला भी दिया दिखाती हूँ नजर आ रहा होगा. ये चाय है मेरी. ज़्यादा दूध वाली नहीं मैं कहते ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं पीती है. बिस्मिल्लाह. ये देखिए मैं किचन में से भाई काम कर रहा था तो मैं बाथरूम में लगी हुई थी और ये मेरा टोस्ट चल गया. इसमें क्या गए हम खाएंगे और क्या कर सकते हैं. चाय मैंने ज़्यादा ली है क्योंकि मेरा सर फट रहा है और मम्मी कह रही सी लो. अंदर हमारे गाने चल रहे हैं जब नहीं होगा कॉपी राइट ना आ जाए तबियत को पता नहीं चला क्या हो गया. गला भी फ्लू भी और सर तो भी खाते हैं हम और फिर आपसे बात करते हैं. गाइस इस वक्त टाइम हो रहा है 4:15 एंड अभी अम्मी जा रही हैं सूट सिलवाने के लिए देने के लिए. तो मैंने जरा सी डिज़ाइनिंग बताई है इतनी खास नहीं है. दो सूट बता दिए अभी ये कब है इसका मुझे ये शर्ट पीस है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनवाऊँ. सो डू लेट मी नो. आप लोग जब तक बताएंगे तब तक तो चला भी जाएगा. बट सोच रही हूँ इसमें कोई थोड़ा सा फैंसी सा लगाऊं. ये जो नॉर्मल लॉन का सूट है तो इसमें क्या सो लेट्स सी क्या होता है. वैसे इस वक्त टाइम हो रहा है 5:30 एंड अब मैं जाने लगी हूँ नमाज पढ़ने. बट उससे पहले मैंने फिर से प्रिपरेशन किया छोले की चाट बनाने की बिकॉज मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ. मम्मी ने कहा किस बना दो क्योंकि उनको दिन सारे खाने का तो मैंने चलो बनाते हैं आप दिखाते हैं कैसे कैसे बनते. थोड़ी देर रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ छोले की चाट छोले को ऐसी कि मैं कैसे बनाती हूँ. बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स रखते हैं सिया चलते दिखाते हैं फिर नमाज भी पढ़ने दे देना ठीक है. पहले जो मैं इन्ग्रीडियंट होता है वो यहीं से शुरू कर दी हूँ. हमें चाहिए होता है बेसन. बेसन को मैंने घोल लिया है तो ये 6-7 चमचे घोला है मैंने बेसन को ठीक है. आप लोगों ने भी लेना है और उसमें इतना सा मैंने जो है वो 2 चुटकी नमक डाला है. बस इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. इसके हमने क्या बनाने हैं पकौड़ियाँ बनानी हैं छोटी छोटी सी जैसे पकौड़े बनते हैं वैसे मैं बता दूँगी कैसे ठीक है. फिर हमें एक चाहिए बड़ी साइज़ की प्याज. फिर हमें चाहिए 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 हरी मिर्चें ठीक है. उसकी टोस्ट जो है वो ये जो चीज़ होती है ऊपर की ये काट लीजिएगा ठीक है. बाकी चलेगा जैसा भी. पुदीना चाहिए हमें ठीक है. पुदीना भी हमें चाहिए बस इतना ही देख लीजिएगा कितना रखा हुआ है कोई 10-12 पत्ते ले लीजिएगा पुदीना के. एंड हमें एक खीरा चाहिए ठीक है. कुकम्बर हमें चाहिए. एंड हमें चाहिए टमाटर. टमाटर भी हमने छोटे साइज में काट लेने. वो मैं काट के दिखाती हूँ मैं आपको इसको इग्नोर कर दीजिएगा ठीक है. तो और फिर हमें चाहिए होगा ग्रीन चिली सॉस. एंड देन फिर हमारे पास ये है दही. दही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है. दही से हमारा मसाला बनता है. मसाला व्हाट चलो मैं मसाले दे. नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए आलू बॉयल करने के लिए जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही रख दिए थे. अब इसको चेक कर लेते हैं कि हो चुके हैं बॉयल या नहीं. मैंने इसका छिलका उतार के बॉयल किया क्योंकि बॉयल होने के बाद छिलका बहुत देर में भी नहीं हुआ है. एंड द मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होते हैं छोले जो कि अभी डिफ्रॉस्ट हो रहे हैं फ्रीजर में रखे तो उनसे बनेंगे ठीक है. सब चलते हैं सब चीज़ें कटंग पड़ंग करते हैं एंड देन बनाते हैं. सो गाइस यार अम्मी इस मिट्ठू का मैं क्या करूँ. वो मिट्ठू का मुझे बोलने नहीं देता. अच्छी हमें प्याज काटने लगी हूँ इसलिए मैंने चश्मे पहन लिए है. जो औरत है ना पीछे इनके लिए बना रही हूँ. आलू बॉयल हो गए.
अब इसको हम काटते हैं जल्दी जल्दी एंड मैं काम करते हैं। प्याज दो अदर टमाटर एंड एक अदर खीरा, खीरा एक लंबा बहुत था तो बहुत अब इसको और छोटे छोटे पीसेस में आपको करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको अगर बड़े पीसेस बड़े पीसेस मुंह में पसंद नहीं है तो इसमें और छोटे आप लोग कर सकते हैं, मैंने बस इतना ही रखा है। थोड़ा थोड़ा सा इसको और कर दूँगी ऐसे चॉप ताकि वो अच्छे लगे। ठीक है, अब हम प्रेपरेशन करते हैं अपने दही सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही रख देंगे थोड़ी देर के लिए, आप लोग चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं बट अभी नहीं, थोड़े बाद रखते हैं। जी, हमने एक मिक्सी ले लेनी है। अम्मी दही पूरी डाल दो। हाँ, अच्छा एक पाव मंगाई थी ना दही, तो ये दही ठीक है, एक पाव मंगाई थी, अंदाजे से इतनी बचाई है मैंने बस। ठीक है, ये देख रहे हैं आप मेरा काम। वाओ, ना मसाला पुदीना और मिर्च। ठीक है, ये डालते हैं पहले। मशीन निकाल ली, लेकिन मशीन की मशीन निकाल ली, समझ रहे हैं आप लोग, मशीन निकाल। इसको पीस लेंगे बगैर नमक मिर्च के पीसेंगे अभी, ताकि फिर मिर्ची का जो टेस्ट होगा उसके बाद हम नमक और मिर्च डालेंगे। ठीक है, जाते इसको पीसते हैं। कैमरे देखने देखने की वजह नीचे गिर जाता है। अच्छा, साइड बाई साइड मैंने एक पैन ले लिया, उसको चलना पैन ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें मैं तेल वो करूँगी, क्या कर रही हूँ क्या बोल रही हूँ, तेल डालूंगी एक फ्राई पैन में, क्या है ये कढ़ाई में तेल डालूंगी। मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं भी तेल डालूंगी। ठीक है, फिर उसमें हम पकौड़े बनाएंगे। सही है, तभी मैं पहले इसको ग्राइंड करते को टेस्ट किया है। इसमें मिर्चें जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तीन मैंने तथाइया मिर्चें ली थी, लाल मिर्च थोड़ी थी, वो फला ग्रीन वाली हरी मिर्च ली थी। ठीक है, तो उसमें इतना नमक डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें। ठीक है, अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और फिर ये हमारा बन गया। सो गाइस, ये छोले जो है अभी हमारे डीप फ्रॉस्ट नहीं हुए हैं, तो उसको मैं उस कढ़ाई में डाल रही हूँ, जिस कढ़ाई में मैंने गर्म किया था, जो कढ़ाई में गर्म हुई ताकि ये थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट हो जाए। जो हमारा था क्या कहते हैं उसको, बैटर जो भी था, अब इसमें हम आलू काट के और वो डालेंगे। अच्छा, हम आलू को किसी भी शेप में कुछ भी करके डाल सकते हैं, बड़े छोटे आपको की मर्जी है, मैंने इस तरह डाले। बस होने ही वाले हैं, थोड़े से ही रह गए। इसका जो पानी है ना, इससे बहुत मज़ा आता है छोलों के अंदर। देख लें, इसमें जो है हमारा पानी भी आ चुका है अच्छा खासा, और ये हो भी चुकी है डीफ्रॉस्ट। ठीक है, अब इसका जो पानी आया वो ऐसा आया कि मैंने तेज़ आँच पर इसको थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट किया है। ठीक है, तो इस वजह से पानी आया, और जो ये पानी का टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का होता है, तो इसको हम निकालते रखे हुए हैं। सबसे एंड में जो है वो हमने डालने होते हैं मसाले और दही, जो हमने मैं बनाई होती है। ये मिठू की आवाज़ देख रहे हैं कैसे मैं बोलना शुरू कर दी, गर्म बोलना शुरू। अब इसको थोड़े से गर्म होने, तो उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये है हमारी चाय। आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ। ये हमारा बेसन, हम इसको जल्दी से करते हैं। फिर हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, बाद में बताऊँगी क्यों रखा है। ये हो चुका है एक छोटा सा, बाकी हो रहे हैं। अब इसको जो है हम जो पानी हम बॉईल कर रहे थे, बॉईल गरम जो कर रहे थे, उसमें डाल देंगे। इसमें नमाज ब्रेक आ गया था, अब ये हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी गरम हो रही है, लेकिन इसको हम अब उसमें डालेंगे, इसमें छोले डालेंगे सारे। ठीक है, अच्छा मैं व्लॉग बना रही हूँ। सही है, अब इसमें हम ये डालेंगे, तो इसको इसमें से निकाल के, और आप मेक श्योर आपका हाथ साफ़ हो, इसको हल्का सा यूं करके इसका पानी ताकि इसी में जाए, और यूं डाल देने। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा पानी भी उसमें से निकाल के डाला था, बिकॉज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, तो इसमें बड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आया था। अब इसमें हम डालेंगे ये, तो मैं इसमें पानी नहीं डाली, मैंने मना कर दिया कि वो कभी छोले का भी पानी होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। डाल दिया मैंने इसको। अच्छा जी, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब इसमें मुझे लग रहा है नमक सही है, बस मसाला कम है, तो हम मसाला डालना शुरू करते हैं। फ्लेवर ऐड करने के लिए ये डालूंगी, बिल्कुल हल्की सी डालूंगी। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा ऐड कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कितना सा।
एक टेबल स्पून भी नहीं है, थोड़ा सा मीठे का टेस्ट दे देता है बस। चाट मसाला डालूंगी, चाट मसाले की क्वांटिटी दिखाती हूँ। ये देखिए इससे ज़्यादा डालूंगी अभी, तो बहुत बड़ी बोली हूँ, बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, हल्के हाथ से करना पड़ता है वरना जो है इसकी जो पकौड़ियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से यूँ करके करना पड़ता है। अभी मुझे लग रहा है मसाला नमक कम है तो मैं वो डालूंगी। लाल मिर्च भी डाली है मैंने, ठीक है, क्योंकि मसाला टेस्ट करना होता है हल्का सा। मैंने चाट बना ली है, अब मैं पी रही हूँ चाय पी रही हूँ, और चाय के साथ कुछ है नहीं, दोबारा मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। दोपहर का खाना भी थोड़ा सा ही खाया था, चाट तो यस चाय पी रही हूँ मैं। नहीं क्यों अजीब सी लग रही है, खैर दुआ ने बनाई थी इसकी। सो गाइस ये रही हमारी, चाट, और उसको हम खाते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है, हमने इतनी देर से खाई नहीं है। ठंडी करने के लिए फ्रिज में रखी थी, मिक्स तो कर लेती मिक्स करनी है। हाँ तो हम इसको खाते हैं। बस ये रही मेरी, मैंने भी निकाल लिया है, अब दुआ अब तक आई नहीं, ऊपर है वो चाचू के पास, तो अभी हम अम्मी से पूछते हैं कि कैसी बनी है। अम्मी बहुत मजे की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। जोर तो नहीं बोल रही ना, दिल खुश हो खाए। बहुत मजे की बनी है, डू ट्राई दिस रेसिपी आउट इन योर होम्स। सो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हुए मैंने आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।